मंदबुद्धि और पागलपन, ये दोनों साथ में आ गए, ये दोनों बीमारियां, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबोधन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में हमारे हॉस्पिटल है, जहाँ हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में और रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं। हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, जहाँ लोगों को ऑनलाइन हम सलाह देते हैं उनकी बीमारी के बारे में और उनको अच्छा करते हैं। आज बताने वाला हूँ, ये लड़की अभी करीब करीब 12 साल की है और बचपन से ही उसको बुद्धि कम है, गतिमंद है या मतिमंद है, मंदबुद्धि है। उसका दिमाग चलता नहीं है, स्कूल में ऑफकोर्स गई तो कुछ हुआ नहीं। उसको समझ कम है, लेट बोलना, लेट चलना, ना समझ, ऐसा उसको पहले से ही था। और उसमें अभी उसको पागलपन के लक्षण आ गए, मतलब अपने मन से हंसना, किसी को मारना, सोने का नहीं, कुछ आवाज़ उसको सुनाई आना। तो उसके जो पिताजी है वो उसके बारे में बताएंगे, तो जरा हम उनको सुनेंगे। नहीं बैठती, कौन सही काम में उसका ध्यान नहीं लगता। हाँ ये बाल खींचती, हाँ और जो इसके दादी के उसके किसके भी हाँ आने, हाथ पे ऐसे थूकती और सामने वाले के मुंह पे मारती, और ऐसा सामने वाले पे कभी कभी अटैक करती, उसको नोचती ऐसा हाँ हाथ से, हाँ नहीं तो उसके गाल में मारती, बाल खींचती, यानी हमेशा किरकिर, यानी किरकिर करती रहती वो, यानी बात खुद से ही बात करते चलती। मैंने कुछ अपने घर में जो चीज़ है, जैसे घड़ी, टीवी, बारीक चारीक बर्तन, ऐसे चीज़ा फेंकती हो, तोड़ती फोड़ती। हाँ आने तिलक आने पहले बात करती, मैं ये तोड़ने फोड़ने वाली हूँ, बाद में वैसे करती हूँ, फोड़ती हो, मैं ये घड़ी फोड़ूंगी तो फोड़ के ही रहती हो आज, नहीं तो कल कितना भी ध्यान रखो तुम। फोड़ देंगे वो घड़ी, फोड़ हाँ, देंगे। तो उसने वो बोला एक ये दिन, कितने साल से चल रहा है ऐसा? ये ऐसा ये 3-4 महीने में ज्यादा चल रहा है, 5-6 महीने। अच्छा, पहले शादी थी थोड़ी, यानी उसके स्कूल में जो बच्चा थे वो कुछ हरकत करते होंगे तो उसका कुछ सीख गए होंगे, वो थूका वीका फेंकना, कुछ चापट बाल खींचना, चापट मारना, झापड़ मारना। ठीक है, हाँ ठीक है, गुड। जब घर में थे तब उसका थोड़ा टेंशन फुल वातावरण था। ठीक है, इसको कोई फिट वगैरह आती है? नहीं, फिट गेट नहीं आता। ठीक, रात को इसके नींद में से जागती का नहीं हो, होशियारी आती तब सामने वाला कोई सोए हुआ रहता, उसके काम गाल में मारेंगे, बाल खींचेंगे, नहीं अच्छा। तो नोचेंगे उसके गाल को। हाँ ठीक है, समझ में आया। ठीक, चंचलता नहीं छाती में। तो आपने उसके पिताजी को सुना, ये क्या होता है कि साधा पागलपन रहा तो ठीक करना आसान है, क्योंकि उसकी बुद्धि अच्छी रहती है, पढ़ा लिखा रहता है, पागल बनाया तो उसको ठीक हो गया। और अभी मंदबुद्धि भी है और पागलपन भी है, साइकोटिक भी है। मंदबुद्धि भी है, उसके साथ साथ कभी कभी बिहेवियरल डिसऑर्डर भी होता है, मतलब बर्तन बर्तणुक जो है उसकी, बर्तन जो है वो बराबर नहीं है, बिहेवियर प्रॉब्लम है। तो इसमें उनको समझ नहीं रहती, दवाई दिया तो दवाई बराबर लेते नहीं। अभी ये लड़की है, उसको हमने एंटी साइकोटिक मेडिसिन दिया, उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग किया, और जब मेडिसिन दिया तो उसको जरा नींद अच्छी आना चालू हो गई, उसकी इरिटेबिलिटी जो है ना, चिड़चिड़ापन, वो कम हो गया, बेकी बेकी बातें करना कम हो गया, थोड़ा खाना खाना भी उसने चालू कर लिया और वो काफ़ी कंट्रोल में आई। तो लोग क्या बोलते कि ये तो पागल है, ये तो मंदबुद्धि की है, इसका क्या इलाज करेंगे? तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती कि उसकी तरफ ख्याल देते नहीं, फिर उसको अनेक बीमारियां लग जाती, उसमें मर जाती है। इनको यदि बराबर ख्याल दिया, ये बच्चों का इलाज किया, तो ये बच्चे उनका जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। ज़रूरत है कि उनको बराबर इलाज होने की, माँ बाप ने उनकी केयर लेने की। तो ये वीडियो आपके ग्रुप में ज़रूर शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। कम से कम ऐसे बच्चे हैं, 1,000 में 4 से 5 बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको मंदबुद्धि है और जिनको केयर टेकर होना ज़रूरी है, और केयर टेकर रहा यदि तो वो ठीक है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंटली शायद वो अपना मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो केयर टेकर को यदि हम सिखाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लम्स आने के पहले उसका इलाज हो सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।